हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप हमारे यहाँ पर चैनल में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी यार, आप सब देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करते हो आप लोग लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी, आप वीडियो को देखेंगे अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कीजिए, क्योंकि लाइक करने से वो वीडियो हमेशा ऊपर रहता है ताकि आपको भी खोजने में उस वीडियो को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो अभी हम एक छोटा सा लेटर बनाएंगे, ठीक है? एक लेटर आपको हम बना के दिखाएंगे इस पेन की मदद से, तो बहुत आसान है। मेरे पास एक मार्कर है, मैंने आपको स्कूल में जो डेमो दिया था उसमें ही बताया था कि आप लोग मार्कर पेन पेंसिल से कोई ड्रॉ कर लीजिए कपड़े के ऊपर। तो मैंने इस फ्रेम के ऊपर देख लीजिए पहले से इस कपड़े को टाइट कर रखा है। टाइट करने के बाद मैं यहाँ पर एक लेटर बनाऊँगा ए। तो सबसे पहले हम इसके आउटलाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया, ये देखिए। आपको कोई भी डिज़ाइन बनाना है उसकी आउटलाइन हमेशा डबल रखनी है, ये आपको याद रखना। ये देखिए, ये मैंने ए लेटर जो है यहाँ पर बना लिया, ठीक है? मैं सिर्फ आप सबको समझाने के लिए ऐसे ही बना रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे से जो भी आपको ड्राइंग बनाना है बहुत अच्छे से बनाइएगा। अब ये मार्कर को हम अलग रख लेते हैं। इस वाले पेन का काम ख़त्म हो गया, अब हमारे इस वुलन पेन का काम हम स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे वुलन पेन यहाँ पर साइड में रखे, इसमें से मैं कोई भी उठा सकता हूँ। और ये बहुत सारे ऐसे ऊन के धागे भी यहाँ पर रखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आप लोगों को सबसे पहले एक निडल लेना है, ठीक है? ऐसे आपको निडल लेना है। निडल लेने के बाद हम इसमें से एक वूलन लेके और इसके अंदर ऐसे फंसा लेंगे। ध्यान से देखना, आप स्किप मत करना प्लीज़। स्किप करोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे भैया आपने जो पेन दिया है हमें वो ऐसे काम नहीं कर रहा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, स्किप करके मत देखना, आपका ही फ़ायदा है। अच्छे से देखोगे तो 10-5 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होता। तो यहाँ से हम इस सुई को, जो निडल है यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद ये देखिए, यहाँ से जो हमारा थ्रेड है वुलन थ्रेड यहाँ से बाहर निकल चुका है। अब बिल्कुल सामने वाले हॉल से हमें यहाँ से भी इस निडल को बाहर निकाल देना है। तो दो बार पास करना है, आपको याद होगा सभी को। हम नीडल को साइड में रख लेते हैं, यहाँ पर एक नोट लगाएंगे, ये देखिए बिल्कुल ऐसे। समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको करना क्या है, आपको मैंने क्या बताया था, आपको ये वाले स्प्रिंग पे ध्यान देना है। आपको जब भी चलाना है तो हम इस वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, अच्छा रहेगा कि कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसकी आउटलाइन बना लीजिए। तो आउटलाइन के लिए हम ये ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसे धीरे धीरे से कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसे आपको बनाते जाना है, बहुत आसान है। ये देखिए, सिर्फ दो बातें हैं, आपको मैंने समझाया था, मेरे वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं। इसे फुल टच करना है, उठाना कम और डुबोना ज़्यादा। तो ये ऊन का धागा जस्ट ख़त्म हो गया, ठीक है? अब ख़त्म हो गया तो हम इसमें दोबारा से ऊन डालेंगे, ऐसे दोबारा से ऊन डालेंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा वीडियो को पॉज करना पड़ा था मुझे, क्योंकि यहाँ पर आसपास में नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, मैं अच्छे से यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा वीडियो, फिर भी आपके लिए। ये देखिए, मैं इसमें ऐसे सुई में वापस दोबारा से ऐसे ऊन डाल के बिल्कुल वही तरीके से हम इसके अंदर वो जो ऊन का धागा है ऐसे डाल लेंगे। बिल्कुल वही तरीके से आपको ऊन का धागा डालना है, यहाँ से निकाल लेना है, और निकालने के बाद यहाँ पर नोट लगा लीजिए, ओनली वन नोट, ओके? अब देखो, मेरा यहाँ से बनाना ख़त्म हुआ था, धागा जो है इस साइड से ख़त्म हुआ था, ठीक है? ये देख लीजिए, मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, इस वाले साइड से मेरा धागा ख़त्म हुआ था। तो मैं इसी साइड से दोबारा से इसे बनाना ऐसे स्टार्ट कर लूँगा। ये देखिए, चलो हम इसे बनाते जा रहे हैं, आप भी इसे देखते जाइए। तो अभी हम थोड़े से वीडियो को स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद, आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद हम वीडियो को वापस कंटिन्यू करेंगे। मुझे माफ़ करना, मुझे भी पता है आधे एक घंटे का अगर वीडियो बनाऊंगा ना तो कोई देखेंगे नहीं, ज़्यादा स्किप करेगा,
तो उसे वीडियो को छोटा भी करना पड़ता है। तो पहले हम आउटलाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तरीका तो समझ में आ गया आपको कि पहले आउटलाइन बना लेना है, ठीक है। स्किप करने के बाद वापस आ गए। ये देखिए मैंने जो इसकी आउटलाइन है लगभग तैयार कर ही ली है, बस ये थोड़ा सा रह गया। तो मैंने ये जो लेटर बनाया है ए, ठीक है। अब चाहे ये देखो इस तरीके से यहाँ पर जो ऊल के धागे हैं अपने वोलन के धागे इस साइड से आए हैं, वोलन थ्रेड आने के बाद देखो अगर ऊन ज़्यादा बच जाए तो अब यहाँ से कट कर लीजिए इसे, ओके। तो अभी हम इस पेन को यहाँ से आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बाद मैंने क्या बताया था आपको, ऐसे पहले खींचना है इन्हें, ठीक है। खींचने से जो सिलाई है वो टाइट और प्लेन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत ढीला रह जाता है तो आप इसे पीछे से खींच के टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद यहाँ पर ये नोट्स जो हैं मैंने लगाया था पेन में, आपको पता होगा मैंने यहाँ पर हर बार नोट लगाया था। तो इस नोट को आप देखेंगे ये बैक साइड होता है, उल्टा वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर रह जाती है तो ये अच्छा नहीं दिख रहा, तो इसे काट लीजिए। इन सभी को एक एक करके ऐसे काटते जाना है। तो मैंने ये बार बार की जो आउटलाइन है वो बना ली इस वक्त, ठीक है। अब हम दूसरा कलर चूज़ करेंगे इसके अंदर भरने के लिए, इस लेटर में भरने के लिए हम दूसरा कलर चूज़ करेंगे। तो हम वापस नीडल लेंगे और नीडल के अंदर थ्रेड को ऐसे फंसाएंगे, फिर वोलन पेन लेंगे और बैक साइड से बिल्कुल ऐसे धीरे से आराम से इसे छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे आपको इसे छोड़ना है बिल्कुल ऐसे, इसी तरीके से नीडल को रख दीजिए, यहाँ पर नोट लगानी है। अब इसके अंदर अंदर हमें इस पेन को चलाते जाना है इस आउटलाइन के अंदर। तो यहाँ पर हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, देखो कितना आसान है, बहुत जल्दी जल्दी में बन रहा है, बहुत आसान है। इतना ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है आपको, बहुत अच्छे से अच्छा डिज़ाइन कारपेट्स वगैरह बना सकते हैं। स्टूडेंट और मेरे प्यारे दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे कि एक डिज़ाइन आप बड़ा सा अच्छा सा डिज़ाइन भी कंप्लीट कर लोगे ना, मार्केट में उसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो आप खुद जानते हो इसके बारे में अच्छे से, मैं आपको खुद बता, मैं क्या बताऊँ आपको, खुद को पता ही है सभी को। हमारे यहाँ पर जो कारपेट वगैरह होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। तो फिर से हम इसके अंदर वोलन थ्रेड इंसर्ट करेंगे। आप चाहे तो ऊन के गोला भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वेस्टेज ऐसे ऊन के टुकड़ों को भी यूज़ किया जा सकता है। तो मैं आपको वेस्टेज ऊन के टुकड़ों से ही बना के दिखा रहा हूँ, ताकि समझ में आ जाए आपको कि ज़रूरी नहीं है आपको नया ऊन का धागा लेना है, ये वोलन थ्रेड जो है आपको नया लेना है। आप चाहे तो अपने घर पर कोई फटा पुराना स्वेटर होता है अब उनसे भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये देखेंगे इस आउटलाइन को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी में हम इसे ख़त्म करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी में। तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से समझो, और समझने के बाद अगर आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी तभी तो आप कुछ कर पाओगे। अब मान लीजिए हम स्कूल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर मान लीजिए आप एक दिन स्कूल जाएंगे स्टार्टिंग में पहली बार में, क्या आप एक दिन में पढ़ाई सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते ना। बार बार हमें कितने सालों तक स्कूल कॉलेजेस जाना पड़ता है, फिर हमें जाके हर चीज़ें समझ में आती हैं, हर चीज़ें पढ़ना आता है। तो आपको भी यही ध्यान रखना है। देखो कोई भी चीज़ करने से पहले प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। तो आप अच्छे से इस वीडियो में देख लीजिए, ठीक है, आराम से सब्र से बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में पूरा कर लो, इसे आधा भी छोड़ दो, थोड़ा आज बना लो, थोड़ा कल बना दो, थोड़ा परसों बना दो, थोड़ा थोड़ा करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं, इसे थोड़ा बहुत और रह गया, ठीक है। टेंशन मत लो, इतना लंबा वीडियो नहीं बनेगा। मैं ये जो डिज़ाइन बना रहा हूँ
इसका प्रोसेस का वीडियो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, 4x या 3x पे कर लेंगे। बाकी की जो डायरेक्शन की वीडियो हैं उसे अच्छे से रखेंगे। तो अभी हम इसे बनाते जाएंगे, ठीक है। तो मैं सभी देख सकते हैं मेरे जो मेंबर्स हैं वो मुझे पेन में, अलग अलग पेन में ऊन डाल के दे रहे हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, देखो आपने बहुत हेल्प किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो लोग नए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, जो लोग नए हैं, अगर ये आप इस पेन को देख रहे हैं और इसे मंगवाना चाह रहे हैं, इसे वुलन पेन कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो कोई नहीं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा, आप जहाँ पर भी एड्रेस दोगे हम वहाँ पर ये पेन आपको भेज देंगे, ठीक है। कमेंट में आप मुझे बता देना अगर आपको चाहिए। तो आजकल पोस्ट ऑफिस से एक ही हफ्ते में हर जगह कहीं भी सामान पहुंच जाता है। तो भी हम पहले नोट्स यहाँ पर बहुत हैं जो मुझे इसे बनाने में दिक्कत दे रहे हैं, तो पहले मैं नोट को कट कर लेता हूँ, अच्छे से इनको कट करूँगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे। ये मैंने इनको कट कर दिया, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये वाला लाइन जो है थोड़ा सा रह गया, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है, देखो कितना आसान है इसे बनाना। यहाँ से बनाते जाते हो, बस ऐसे आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है, आपको इसे बनाते जाना है, रुकना नहीं है, एक दिन में कंप्लीट करो। तो यहाँ पर हम इसे बनाते जा रहे हैं, बस थोड़ा सा रह गया। प्लीज़ दोस्तों, यार आपसे एक रिक्वेस्ट था, थोड़ा वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि आपने 1000 सब्सक्राइबर का तो हेल्प किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको 1K सब्सक्राइबर के लिए। पर ये वीडियो 1K सब्सक्राइबर स्पेशली हैं, मेरे 1K होने पे ही मैं आपको ये वीडियो इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। आपने बहुत सपोर्ट किया, सर, टीचर, स्कूल स्टूडेंट ने, और बहुत सारे बाहर के लोगों ने भी सब्सक्राइब किया। तो दोस्तों, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, हर तरह की आर्ट अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाएगा, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे। और आपने हेल्प में ये चाहता था, आपसे मुझे कोई पैसे नहीं आपसे मैं मांग रहा हूँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आप भी जानते हो सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन मेरे जो वीडियोस आते हैं उसे आप पूरा देखिए। प्रॉब्लम क्या है, मेरा चैनल जो है अभी मोनेटाइज नहीं है। मोनेटाइज क्या होता है आप लोग जानते हो, मोनेटाइज यूट्यूब का एक ऐसा सिस्टम है जिससे हमारा जो इनकम है पैसे हैं हर वीडियो पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यूट्यूब ने एक शर्त रखा है उसे मोनेटाइज करने के लिए। शर्त क्या है कि यूट्यूब ने कहा है कि 1000 सब्सक्राइबर आपको अगर इनकम एड्स से इनकम चाहिए, जो एड्स आते हैं हमारे वीडियो पे उसे इनकम चाहिए, तो उसके लिए आपको 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। हालांकि आप लोगों के सपोर्ट से मुझे 1K करना मेहनत लगी थोड़ी, लेकिन 1K हो गए मेरे, 1000 सब्सक्राइबर हो गए आप लोगों की हेल्प से। लेकिन सबसे मेन टफ टारगेट किया है 4000 घंटे का वॉच टाइम, और वो कैसे कंप्लीट होगा, सिर्फ आप लोगों की मदद से। तो मदद यही, हेल्प यही चाह रहा था मैं आप लोगों से कि आप कोई भी वीडियो को देखिए मेरे, ठीक है, मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, जो भी वीडियो को देखिए प्लीज़ उसे पूरा देखिए, अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करो और कोशिश करें कि उसे पूरा देखें। अब मैं जानता हूँ कि स्किप करे बिना तो आप रहेंगे नहीं, थोड़ा बहुत तो स्किप करेंगे, करो, कोई टेंशन नहीं है, इतना मत करो, कम से कम यार एक 10 मिनट का वीडियो है तो प्लीज़ उसे 5, 6, 7, 8 मिनट तो देखिए आप, क्योंकि आपके देखने पे मेरा जो वॉच टाइम है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको वो टारगेट भी अभी स्क्रीनशॉट में बता दूंगा, ठीक है, इसी वीडियो पे। तो बस एक टारगेट यार पूरा करवा दो आप लोग, और मुझे यकीन है कि आप लोग ऐसा मेरी हेल्प ज़रूर करोगे।
ठीक है। अब स्टूडेंट मुझे इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, थोड़ा स्किप करना पड़ेगा, इसे पूरा कंप्लीट करने के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। तो देखो मेरे दोस्तों, मैंने ये कंप्लीट कर लिया, देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। और आप विश्वास करोगे, मैंने वीडियो को पॉज वगैरह कट करके भी अगर मानने की कोशिश करिए तो ये वाला लेटर है ना, मैंने कम से कम 15-20 मिनट में कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अच्छे से। और अच्छे से वीडियो बनाने के चक्कर में 15-20 मिनट लगे, लेकिन अगर मैं ऐसे ही बनाता ना तो इसे 5-10 मिनट लगते, देखो इतना बड़ा लेटर है, ठीक है। अब यहाँ से देखो बहुत सारे ऐसे ऊन के धागे आए हैं, अब इनको हम आपको कट करके भी दिखाएंगे। तो इनको ऐसे कट कर लेते हैं हम, देखो ऐसे आपको कट करना है, वीडियो अच्छा लगे तो देखो नीचे लाइक का बटन दिख रहा है आपको, ज़रूर दबा देना। इससे मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ यार आप लोग कुछ सीख रहे हो, तो लाइक का बटन दबाना ना भूलना। देखो मैंने इसे कट किया और ये वेलवेट की तरह बहुत अच्छा और बहुत सुंदर हमारा डिज़ाइन लग रहा है। देखो इसे ऐसे काटते जाना है, यार बहुत अच्छा इसमें टेक्सचर आ रहा है। जैसे जैसे हम इसे काटते जा रहे हैं बहुत अच्छा वेलवेट टाइप, बिल्कुल इतना अच्छा टेक्सचर आ रहा है। मैंने क्या बताया, तो देखो मैं आपको समझाने के लिए फ़िलहाल ये वीडियो के लिए बनाने के लिए ऐसी कटिंग कर रहा हूँ, इसे कट कर रहा हूँ। लेकिन आपके पास समय होता है फ्री, ठीक है, फ्री टाइम होता है, आप उसमें इसे अच्छे से और अच्छे से कट कर सकते हो। तो देखो काटना कैसे है आपको ध्यान रखना है। नए बंदे आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना यार, देखते मत रहना, ठीक है। और मैंने नए बंदों के लिए बता दिया, कोई अगर नया है वीडियो पे जानना चाहता है क्या चीज़ें और कैसे काम करता है, तो वीडियो में तो आपको ये पता चल गया है कि क्या कर सकता है। और अगर आप लोगों को कोई नए बंदे हैं जो वीडियो में आए हैं, अगर वो इस पेन को आप परचेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बोल देना, कमेंट बॉक्स में आप लिख लेना, ठीक है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर वहाँ पर छोड़ देना, मैं आपको खुद कॉन्टेक्ट करूँगा। और मुझे माफ़ करना, मैं डायरेक्ट अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दे सकता आपको, आप मुझे कमेंट के ज़रिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये देखो इसे हम कट कर रहे हैं ऐसे, बस ये वाला हिस्सा रह गया, इसे भी थोड़ा कट कर लेंगे ऐसे अच्छे से, देखना आप सभी। तो अभी हम आपके सामने वीडियो में, मैंने अभी ये बनाया है आप लोगों के लिए, सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने एक लेटर बनाया। आगे हम और भी लेटर बनाएंगे हमारे दूसरे वीडियो में, प्लीज़ उसे भी देखना आप। और एक बात और यार, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ वीडियो को आप स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखना, पूरा वॉच करना और लाइक भी कर देना। पूरा वॉच करने से मेरे मोनेटाइजेशन एक्टिवेट होने में जो मेरा इनकम है एंड यूट्यूब में वीडियो में वीडियो अपलोड करने पे जो इनकम होती है वो मोनेटाइजेशन एक्टिवेट होने के बाद ही होगा, जो यूट्यूब ने जो शर्त लगाई है उसे पूरा करना है। तो उसमें आप लोगों की मुझे बहुत बहुत मदद चाहिए, 4000 घंटे
का बहुत टफ चैलेंज है, वो पूरा करना है, और वो किन की मदद से, सिर्फ आप लोगों की मदद से हो पाएगा। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर कट कर लिया इसे, और देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए बहुत अच्छा से फिनिशिंग इसमें आई है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए फ़िलहाल ऐसे ही कट किया है। ऐसे देखो यहाँ से भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। आप बहुत सारे अच्छी अच्छी डिज़ाइंस वगैरह बना के अपने घर के दीवार वगैरह पे कहीं भी लगा सकते हो, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे। एक बात और फिर से बोलूँगा सभी को, दिल से अच्छा लगे दिल से लाइक करना और वीडियो को पूरा देखना। और लास्ट में एक बात और फिर से बोलूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को। सब्सक्राइब करने से आप जो भी आर्ट सीखना चाहेंगे, बहुत तरह की आर्ट्स की वीडियो हम इसमें ही अपलोड करते रहेंगे, तो मेरे चैनल DK आर्टिस्ट लाइफ को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।